सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे आरडी शर्मा बुक की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। सो गाइस सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ और क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में गाइस लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए और जो इससे लाना है हमें वो लाना है गाइस साइन ए टेन ए और माइनस में लाना है कॉट ए कॉस ए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे वन लिखा हुआ है और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन ए को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर अभी तक आपने इनके फॉर्मूले नहीं याद करे हैं तो याद कर लीजिए कि कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए और टेन ए को क्या लिखा जा सकता है बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में अगर आप देखें तो ये बनता है साइन ए माइनस कॉस ए। फर्स्ट ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम होने वाला है, क्या एलसीएम होने वाला है बच्चों साइन ए कॉस ए, तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया साइन ए कॉस ए। अगर हम वन से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस ए और बच्चों यहाँ देखें साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमारा यहाँ कॉस ए और कॉस ए का कॉस ए से इंटू करेंगे बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए हमारा डिवाइड हो जाता है, क्या बचता है यहाँ साइन ए, साइन ए और साइन ए का इंटू करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और दूसरे ब्रैकेट में आप देखें तो लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे और सारे क्वेश्चन का मज़ा इसी एडजस्टमेंट में है, तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ साइन ए माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में अगर देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए और बच्चों दोनों के अपॉन में क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए। अगर आप बच्चों आप देखें तो जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर मेंटेन हो गया है उसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो एक ब्रैकेट में हमारा बन गया ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी और अगर इस फॉर्मूले को आप देखें तो ए के पोजीशन पर साइन ए है और बी के पोजीशन पे कॉस ए और ये फॉर्मूला किसका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दैट मीन्स अब इसको हम सही करके अगर बच्चों लिखना चाहें तो ए की जगह में हम क्या लिखेंगे साइन, तो हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए और अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए। अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर जो साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है ये साइन ए कॉस ए साइन क्यूब के अपॉन में भी है और ये साइन ए कॉस ए कॉस क्यूब के भी अपॉन में है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो बच्चों अगर दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए और अगर कॉस क्यूब को देखें तो इसके भी अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक कॉस ए और साइन ए है, यहाँ पर भी एक कॉस ए साइन ए है, यहाँ पर इस साइन ए से ये तीन साइन ए हैं, ऊपर थ्री साइन ए हैं, एक साइन ए इससे बच्चों हट जाएगा और ऊपर अब कितने साइन बचेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बचता है हमारा, जबकि दूसरे वाले हिस्से को गाइस देखें तो एक कॉस से कॉस क्यूब, ऊपर थ्री है नीचे वन है, एक कॉस यहाँ पर हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या बचेगा साइन ए। अब यहाँ थोड़ा सा आपको एक मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान सुनना होगा, क्वेश्चन आपका लगभग सॉल्व हो गया है। तो मैं ऊपर के साइन स्क्वायर ए को लिख देता हूँ साइन ए इंटू साइन ए दो बार है और अपॉन में मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस ए। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसको भी मैं दो बार लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू कॉस ए और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों साइन ए। अब मैं इसको थोड़ा सा और सही करके लिखूंगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए और इंटू में हो जाएगा साइन ए और कॉस ए अपॉन साइन ए और इंटू में हो गया ये कॉस ए। कॉस ए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं साफ करके और लिख दे रहा हूँ फिर से, ये मैंने इरेज कर दिया जिससे आपको क्लियर व्यू आ जाए। अब आप देखो तो यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया जो यहाँ पर पहले मैं आपको बता चुका हूँ,
कि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए साइन ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए और कॉस ए। सो गाइज, इस तरह से आप देखें कि इस क्वेश्चन को जिसको हमने शुरू करा था, किस पॉइंट से शुरू किया था, वन प्लस कॉट ए प्लस टैन ए और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, और जो सोल्यूशन लाना था साइन ए टैन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, तो आप देखेंगे उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको फाइनली मिल गया है। सो गाइज, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। सो गाइज, यहाँ पर मैंने 76 नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं, x अपॉन ए कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू वन, और एक इक्वेशन दिया है x अपॉन ए साइन थीटा और y अपॉन बी कॉस थीटा की वैल्यू वन। अब हम देखिए यहाँ पर करते क्या हैं, हम करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधार करना होगा, जो पहला वाला इक्वेशन है वहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो पहले इक्वेशन को कॉस थीटा से एंड सेकेंड बाई साइन थीटा, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं फर्स्ट में पूरे से कॉस थीटा में और सेकेंड में पूरे में साइन थीटा से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स या वाई की किसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो गाइज, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी, बच्चों cos थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर y अपॉन बी cos थीटा से करेंगे तो sin थीटा cos थीटा, इक्वल में भी 1 को करेंगे तो cos थीटा, नीचे sin से करेंगे तो x अपॉन ए sin और sin का इंटू sin स्क्वायर माइनस y अपॉन बी sin थीटा cos थीटा, और इक्वल में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा sin थीटा। अब आप देखें, मैंने इस वजह से ऐसा करा क्योंकि आप देखें ये दोनों इक्वेशन बड़ी इजीली यहाँ पर कैंसल आउट हो रहे हैं, आप इसको अगर ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को तो देखें ये दोनों सिंपली कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें तो यहाँ दो टर्म्स हैं, एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी हम देखें तो क्या आ गया बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन है x अपॉन ए, सो गाइस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ x अपॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा गाइस, साइन स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक फॉर्मूला है, मैं चाहूँगा आप इसको नोट डाउन भी करें और लर्न भी करें, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो अगर गाइस मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो x अपॉन ए, और यहाँ पर 1 रख दिया तो बचा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमारी एक वैल्यू मिल गई एक्स अपॉन ए की कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, हम पहले इक्वेशन को सिलेक्ट कर ले रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों पहला इक्वेशन क्या होने वाला देखें, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा और इक्वल्स टू है 1, यहाँ x अपॉन ए की जगह में बच्चों क्या रखना है, cos थीटा sin थीटा, तो x अपॉन ए की जगह में रख दिया cos थीटा sin थीटा इनटू में cos थीटा प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा, बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर हम एडिट करेंगे, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो हो जाएगा cos थीटा और प्लस sin थीटा, cos cos का इनटू बच्चों y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा का इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब आप देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं भाई इधर ले जा रहा हूँ तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ फिर एक फार्मूला आ गया और जहाँ भी फॉर्मूले आएंगे मैं उनको अंडरलाइन करूँगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फार्मूला है, तो यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस हिस्से में और इस हिस्से में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, साइन थीटा, तो क्या बचता है कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी और इज
साइन थीटा है, तो मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दो बार लिख दिया। यहाँ पर आप देखो तो एक साइन थीटा मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखें तो इधर क्या बचता है, बचता है कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये कॉस थीटा इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। बच्चों थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन का इशू है, प्यारे बच्चे एडजस्ट करेंगे इसको। सो गाइज हमारे पास दो वैल्यूज क्रिएट हो गई, एक वैल्यू आप यहाँ देखिए एक्स अपॉन ए की वैल्यू है और एक वैल्यू यहाँ पर वाई अपॉन बी की है। सो गाइज अभी हमारे पास एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचा के लिख दे रहा हूँ। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो गाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर। आप देखें हेयर एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। और y अपॉन बी की वैल्यू गाइज यहां से पिक करेंगे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो गाइज आप देखें आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी स्क्वायर करते हैं इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये गाइज केवल पहले वाले का स्क्वायर हुआ है अभी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, दूसरे वाले का स्क्वायर कर देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब गाइज आप देखो जब दोनों का मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया है, दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर एक सेक्शन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और गाइज इसके आगे जो है ना वो पॉजिटिव साइन लगा होगा, क्योंकि इसके आगे देखें यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा है, तो मैं यहाँ फिर लगा दे रहा हूँ। थोड़ा सा जगह का इशू है बच्चों, आप सभी एडजस्ट कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और समेट देता हूँ जिससे समझ में आ जाए, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब गाइज देखें यहाँ फॉर्मूला बन गया, दो कॉस स्क्वायर हो गए और दो साइन स्क्वायर हो गए, तो मैंने लिख दिया टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में टू कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और गाइज अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो गाइज वन होता है, तो टू इंटू वन क्या आ जाएगा बच्चों, टू आ जाएगा, जो हमें प्रूव करके लाना था। सो गाइज सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, थ्री फिंगर्स ऑन द डिस्प्ले स्लाइसिंग देम फ्रॉम अप टू डाउन एंड द साउंड ऑफ खिचक, तो खिचक का साउंड सुनाई पड़ा और ये गैलरी में जाके आपके सेव हो गया। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 75 था और 76 था आर डी शर्मा की बुक की जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1, उसके दो क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है 75 और 76। गाइज ये पूरी आर डी शर्मा की इस एक्सरसाइज की पूरी एक सीरीज स्टार्ट हुई है, आज मैंने दो क्वेश्चन बीच से जो पिक किए हैं उनका मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, और इस सीरीज के हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अगर वीडियो में बताया गया कोई सा भी एक पॉइंट आपको पसंद आया है, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिए और उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई सजेशन है आपका, कोई कमी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। वीडियो कैसा लगा आपके सजेशन के इंतज़ार में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।